जब अपन शुरू में छत्ते निकाल देते जलाकर, तो उसमें जो हनी निकलता था वो बहुत ही ख़राब निकलता था, और जलाने के वजह से मधुमक्खी के छत्ते भाग जाते थे, छत्ते दोबारा लगते नहीं। छत्ते ढूंढने के लिए हम लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था, और पर्यावरण में भी उसका इफेक्ट दिखता था। और मधुमक्खी के छत्ते जब जला के निकालते हैं तो तभी मधुमक्खी ने काटे तो गिरने की संभावना रहती थी। आग लावून काढायचे असे म्हणजे आगानं आग लावायची, आग लावून ते शहद काढायचं। त्यांना फरक म्हणजे पूर्ण जंगलाला आग लागायची, म्हणजे जंगलाला आग लागल्यानंतर कुठे हिजवायचं असं तसं, म्हणजे मोठी आपत यायची। ये आपके लिए ड्रेस लाया हुआ है जो आप पहले शहद निकालते थे जला के, अभी आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जाली जो है आपको आँखों से दिखेगा और आप मक्खी नहीं काटेंगे। ये हेलमेट अगर आप पेड़ से गिर भी गए, अगर सिर के ऊपर गिर गए तो ये आपका सिर बचाएगी, और ये कपड़ा जो है ये आपका शरीर में मक्खी बैठेगी तो इतना मोटा कपड़ा है ताकि वो उसका काटा आपको चुभेगा नहीं। मंगाता तो ड्रेस दिल्ल्यानंतर ड्रेस ने काय झालं का ते म्हणजे आग लावायचं नाही काही नाही, फक्त मधमाशा हातानं हटवायच्या, हातानं हटून नुसतं शहदाचा डल्ला काढायचा, डल्ला काढून आपला बकेटमध्ये काढलं का म्हणजे ते एका शेतात दोन तीन वेळा निघायचं। जब ट्रेनिंग हुई है तो ट्रेनिंग के वजह से हम लोगों को शहद निकालना आसान हो गया। जैसे छत्ता निकालते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं, काटने का कोई डर नहीं। पहले जो आप शहद निकाल के बाजार में जाके बेचना पड़ता था आपको, या किसी व्यापारी को, छोटे छोटे व्यापारी को देना पड़ता था जो लोकल में यहाँ पे आपसे ले जाते थे, कम पैसे में ले जाते थे। अभी आपको वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ शहद निकालिए, हमारी गाड़ी आएंगी, वो कैन आपको देंगी, कैन भर के वो लेके जाएगी, आपका समय बचेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ट्राइबल लोगों के द्वारा जो हनी का कलेक्शन होगा उनको नागपुर में जो प्रोसेसिंग सेंटर है उसमें प्रोसेस करना और उनको बाज़ार उपलब्ध करा देना, मार्केट उपलब्ध करा देना, ये होगा। नवीन पद्धतीनं काढल्यामुळे म्हणजे पहिले कमी मिळत होती आमदनी आम्हाला, आणि आता म्हणजे एक ते दोन वेळा म्हणजे मध निघाल्यामुळे म्हणजे पहिल्यात 5,000 मिळत होतो, आणि आता म्हणजे ते नवीन पद्धतीने काढल्यामुळे 10,000 म्हणजे 30,000 रुपये म्हणजे जास्ती मिळते।